Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, आप अपना वर्क समय से कर रहे होंगे, उसको पेंडिंग और इनकम्प्लीट नहीं छोड़ रहे होंगे. सो डू योर वर्क एंड कंप्लीट इट डेली. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, इट्स सो हैपन बुक द हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प बाय रुडयार्ड किपलिंग. आज हम पढ़ेंगे कि हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प. स्टूडेंट्स, अभी ये दुनिया स्टार्ट ही हुई थी और जो एनिमल्स थे वे ह्यूमन के लिए काम कर रहे थे. कितना अच्छा लगता है सुनके कि ह्यूमंस के लिए एनिमल्स काम कर रहे थे. तभी एक जानवर था, एनिमल था, कौन? कैमल. वो कुछ नहीं करता था, ही डिड नथिंग बट ओनली से हम कहता था, ओनली कुछ भी नहीं करता था. अब जिन उसको लेकर के बड़ा परेशान था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं. तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर. इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू and the camel and the animals were just beginning to work for man. In the beginning, अभी जब दुनिया बनी, शुरू ही हुई थी, जब ये संसार शुरू ही हुआ था, when the world was new, ये संसार new था अभी, and the animals were just beginning to work for man, और animals ने अभी अभी man के लिए वर्क करना शुरू किया था. There was a camel and He lived in the middle of a howling desert. अब एक एनिमल था, कौन? कैमल. वो क्या करता था? He lived in the middle of a howling desert. वो howling desert में रहता था. Howling students किसको कहते हैं? जहाँ गुर्राने की आवाज होती है, बहुत तेज तेज की आवाजें आती थी, उस desert में रहता था. Because he did not want to work. क्योंकि काम जोर था, कहीं ना कहीं छिपना था उसको, वो काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो हॉलिंग डेजर्ट में रहता था. एंड ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स. वो क्या करता था? स्टिक्स, लकड़ियां चबाता रहता था, थॉर्न्स, कांटे खाता रहता था, एंड पॉइंटेड थिंग्स खाता रहता था प्लांट्स की. एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम ही सेड हम. और जब कोई उससे बोलता कि तुम काम क्यों नहीं करते, कि तुम यहाँ क्यों रहते हो, क्यों यही सारा टाइम बिताते हो, तो क्या बोलता वो? ओनली क्या जवाब देता था? हम, जस्ट हम एंड नो मोर. ओनली हम बोलता और कुछ नहीं कहता था. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग. अब जो हॉर्स था वो कैमल के पास आया, कब? मंडे को, मंडे मॉर्निंग को. With a saddle on his back and sad. Saddle, जो उसका घोड़े की पीठ पर जो एक काठी लगी होती है उसको कहते हैं. On his back and sad. और उसने कहा, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. Camel, बाहर आओ और हमारी तरह भागने से, भागना नहीं, trot means तेज से चलना, हमारे साथ तेज तेज चलो. Horse went away and told the man. Sorry, said the camel and horse went away, told the man. But camel ने only hump कहा. क्या कहा camel ने? Hump. और ऐसा सुनकर के horse चला गया और उसने यही बात उस man को जाकर के बोला. क्या बोला? कि camel ने हूँ कहा only, और कुछ नहीं कहा, hump कहा. Presently the dog came to him. फिर कौन आया? डॉग आया. एनिमल कैमल के पास फिर डॉग आया और उसने कहा, विद अ स्टिक इन हिज माउथ, माउथ में स्टिक लिए हुए, एंड सेड, और कहा, कैमल ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. आओ, बाहर आओ इस डेजर्ट से और फेच एंड कैरी, लेकर के चलो जैसे हम लेकर के आ रहे हैं, चल रहे हैं, लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हम जितने भी और दूसरे लोग हैं सब काम कर रहे हैं, तो तुम हमारी तरह से कुछ ना कुछ काम करो. सेड हम, सेड द कैमल. तो कैमल ने क्या कहा? हम. एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. और डॉग भी चला गया और उसने जाकर के मैन से बोला कि कैमल ने ओनली हम को कहा. Presently the ox came to him with a yoke on his neck. फिर ox आया, yoke means जुआ होता है students,
जो दो बैल इधर उधर खड़े हों और उनके कंधे पर रखा है, जिससे कि हल जोड़ा जाता है और वो प्लो करते हैं। तो जुआ उसके कंधे पर था। विदयो को निजना एंड सैड कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। और ओक्स ने कहा कैमल बाहर आओ और हमारी तरह ही जुताई करो, जैसे हम सब जोत रहे हैं, हम सब और सब लोग काम कर रहे हैं, ऐसे तुम भी करो। हम्प सेड द कैमल एंड द ओक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और फिर से कैमल ने, जैसे उसकी हैबिट थी क्या कहने की, हम भाई कहा, और जो ओक्स था वो उसको सुन करके उस मैन के पास चला गया और जाकर के कहा। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द होर्स एंड द डॉग एंड द ओक्स टुगेदर। अब दिन के अंत में, दिन का अंत कब होता है, शाम को इवनिंग में, एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द होर्स, उस मैन ने होर्स को, डॉग को और ओक्स, इन तीनों को एक साथ बुलाया और एंड सैड, और कहा, क्या कहा, थ्री ओ थ्री आई एम वेरी सॉरी फॉर यू बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। कहा थ्री ओ थ्री, अब तुम तीनों सुनो, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तुम तीनों के लिए बहुत ही खेद है, तुम तो तीनों के लिए बहुत ही दुख है, क्यों, बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, जब डेजर्ट में रहने वाला वो कैमल काम नहीं करना चाहता तो ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, तो काम नहीं करना चाहता इसलिए वो नहीं आया, अदरवाइज अब तक वो यहाँ पे आ चुका होता, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए उसको छोड़ दो, जाने दो उसको, रहने दो उसको, मत बुलाओ, एंड हम उसको छोड़ देते हैं, एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। और अब तुम तीनों को क्या करना है, तुम तीनों को उसके बदले भी डबल काम करना है, क्योंकि उसका जो काम है अधूरा वो भी तुम्हें पूरा करना है। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट एंड द कैमल केम च्यूइंग कट एंड लाफ्ड एट देम देन ही सेड हम एंड वेंट अवे अगेन। That made the three very angry. अब इस बात से, उस मैन की इस बात से उन तीनों को बहुत गुस्सा आया। And they held a panchayat. और किन्हें, हॉर्स ने, डॉग ने और ओक्स ने एक पंचायत रखी। कहाँ पे? On the edge of the desert. Desert के किनारे पर। And the camel came chewing cud and laughed at them. और कैमल कट च्यू करते हुए आया। अब कट क्या होता है, जो एनिमल्स खाना खाते हैं उसके बाद, खा लेने के बाद थोड़ा सा उनके मुंह में वापिस आ जाता है, उनके माउथ में थोड़ा सा खाना वापिस आ जाता है और उसी को वो पूरे दिन जुगाली करना जैसे कहते हैं ना, हाँ भाई, तो जुगाल जैसे उसको च्यू करते रहते हैं वो बाद में, तो च्यू करते हुए आया एंड लाफ्ड एट देम और उन तीनों के ऊपर हंसा। देन ही सैड, और फिर से क्या कहा भाई, हम एंड वेंट अवे अगेन और चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन द चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। क्या कहा, अब क्या हुआ, प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन, अब जिन आया, जिन आप जानते हो कैसे आता है, धुआं उड़ाता हुआ, जैसे क्लाउड्स जैसे नहीं होते, जब कोई जिन आता है तो वैसा हो जाता है, हाँ तो वैसे जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट, जिन जो था वो पूरे डेजर्ट का इंचार्ज था, वो चार्ज उसको मिला हुआ था, एंड रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, डस्ट मीन्स वही क्लाउड्स उड़ाता हुआ, आई मीन पीछे से जब कोई, जैसे वो स्वर्ग वगैरह में आपने देवता देखे होंगे तो वहां पे नहीं रहता है वो डस्ट सी उड़ती रहती है वाइट वाइट, वो जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स इट इज राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। अब सभी डेजर्ट के जो जिन थे उन्होंने कहा, क्या कहा, हॉर्स से, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या ये सही है कि कोई व्यक्ति
निठल्ला निकम्मा बिना काम के बैठा रहे। Suddenly not said the jinn. Well, said the horse. There is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work. Since Monday morning he won't trot. तो जिन कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन ने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसे निकम्मा तरीके से बैठा रहे और कुछ काम ना करे। तो जिन कहते हैं बिल्कुल नहीं। और वेल सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा हाँ ठीक है, एक हॉर्स एक थिंग है इन द मिडिल ऑफ योर डेजर्ट। अब क्योंकि योर डेजर्ट क्यों बोला, क्योंकि जो जिन है वो पूरे डेजर्ट का इंचार्ज है, उसका पूरा रख रखाव करता है। तो उसको बोला कि आपके डेजर्ट में, योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक, एक लंबी नाक वाला, सॉरी लंबी नेक गर्दन वाला, एंड लॉन्ग लेग्स और लंबे पैरों वाला, ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, उसने एक भी तिनका नहीं उठाया है काम का, मींस एक भी काम नहीं करता है वो। सिंस मंडे मॉर्निंग, कब से, मंडे मॉर्निंग से, एंड ही वोंट ट्रॉट, और वो तेर तेर भी नहीं चलता है। View, said the jinn, whistling, that's my camel. What does he say about it? He says, hum, and he won't crow, said the ox. अब जिन पूछते हैं, सीटी, whistling, सीटी बजाते हुए, और ऐसे ही व्यू की आवाज में, that's my camel, वो तो मेरा camel है, वो जो desert में रहता है, वो तो मेरा camel है. What does he say about it? उसने काम करने के बारे में क्या जवाब दिया आपको? तो he says, hum. And he won't happy. तो said the ox. Ox ने कहा कि उसने सिर्फ हम बोला, and he won't plow, और उसने खेत को भी नहीं जोता। Very good, said the jinn. I will hump him if you will kindly wait a minute. तो जिन ने उन तीनों से कहा कि ठीक है, मैं अभी उसे ठीक करता हूँ, तुम प्लीज एक मिनट के लिए रुको। Kindly miss, दयापूर्वक बोला, miss wait, please wait. Second part, the jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. My friend, said the jinn, what is this? I hear of your doing no work. Ab jinn kehte hain, the jinn rolled himself up in a dust. Aapne dekha hoga jinn aata, और जब जिन आता और जाता है तो जैसे ये देख रहे हो आप, एक बादल जैसा पीछे उड़ा देता है, आपने देखा होगा ना, तो वैसे ही अपना वो उड़ाया, एंड took a walk across the desert, और डेजर्ट की तरफ चल दिया। He the camel looking at his own reflection in a pool of water. अब जब वहां जाकर के जिन ने देखा तो कैमल क्या कर रहा था, अपनी परछाई को एक पूल में देख रहा था। रिफ्लेक्शन मीन्स परछाई, अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था पूल के वाटर में। तो जिन ने कहा, माय फ्रेंड, सेड द जिन, व्हाट इज दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। अरे क्या सुन रहा हूं मैं, जिन ने कहा कैमल से, तुम कोई काम भी नहीं कर रहे हो, सब लोग कह रहे हैं कि तुम काम नहीं करते हो। तो द जिन सैट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड व्हाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। अब जो जिन था वो अपने चिन्ह के नीचे हाथ को लगा करके ऐसे बैठ गया, एंड कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। और जो कैमल था वाटर में, जो पूल का वाटर था, उसमें अपनी परछाई को देखता रहा। यू हैव गिवन द थ्री एक्स्ट्रा वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल योर अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, सेड द जिन, एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड। फिर जिन ने कहा, यू हैव गिवन द थ्री एक्स्ट्रा वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, तुम जानते हो कि उन तीनों को, किन तीनों को, डॉग, हॉर्स और ऑक्स को डबल वर्क दिया गया है, एक्स्ट्रा वर्क दिया गया है, क्योंकि तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो अकाउंट ऑफ मिस के कारण, तुम्हारे आइडलनेस मिस निकम्मेपन के कारण, निठल्लेपन के कारण उन तीनों को डबल वर्क करना पड़ रहा है मंडे मॉर्निंग से। एंड said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. और फिर जिन अपने चिन के नीचे हाथ लगाया और सोचता रहा। said the camel, camel को वही आंसर देना था। हम
I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want you to work. तुम जो ये बार-बार हम कहते हो ना, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो एक दोबारा मैं इस बात को नहीं कहता, हम्प को नहीं कहता। और अच्छा चलो, अब मैं चाहता हूं कि तुम ये हम छोड़ के काम करना शुरू करो। एंड कैमल हम अगेन, बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैग दैट ही वाज सो प्राउड ऑफ पफिंग एंड पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम। अब जैसे ही कैमल ने हम कहा, अगेन बट नो सूनर हैड ही सेड इट, बट जैसे ही उसने कहा, देन ही सॉ हिज बैग, तब उसने उस पूल में अपनी कमर को देखा, दैट ही वाज सो प्राउड ऑफ पफिंग एंड पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम। तो देखा उसने कि उसके पीठ पर एक बड़ा सा हम आ गया है, पफ मींस फूलना, एक फूल फूल गई है उसकी कमर, तो इस मींस एक हम को बन गया उसकी पीठ पे। डू यू सी दैट, सेड द जिन, दैट इज योर ओन हम दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे व्हेन द वर्क बिगिन, नाउ यू हैव गोइंग टू वर्क। अब जिन कहते हैं कैमल से कि डू यू सी दैट, कैमल देख रहे हो, दैट्स योर ओन हम, ये तुम्हारी खुद की हम्प है। एंड दैट यू हियर ब्रॉट अपॉन योर वेरी सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, ये सब क्यों आई है पता तुम्हारी कमर पर, क्योंकि तुमने इतने दिनों से काम नहीं किया है, काम ना करने की वजह से तुम्हारी पीठ पर ये हम्प आ गई है। एंड टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, आज थर्सडे है और मंडे से तुमने कोई भी काम नहीं किया है। When the work began, now you are going to work. क्योंकि मंडे से काम शुरू हुआ था, थर्सडे तक तुमने कोई काम नहीं किया और इसलिए अब तुम काम करोगे। How can I, said the camel, with this hump on my back? अब कैमल ने कहा, अरे इस हम के साथ मैं कैसे वर्क कर सकता हूँ? That has a purpose, said the jinn. All because you missed those 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating, because you can live on your hum. And don't you ever say, I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave. And the camel went away to join the tree. And from that day to this, the camel always wears a hum, but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. Those that has a purpose, uska ek uddeshya hai, jin ne kaha, all because you missed those 3 days, kyunki tumne 3 din miss kar diye, 3 din tak tumne koi kaam nahi kiya, so you will be able to work now for 3 days without eating. To isliye ab tum 3 दिन बिना कुछ खाए काम करोगे, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम, क्योंकि तुम अपने हम पर 3 दिन बिना खाए रह सकते हो। आपने देखा होगा कि जो कैमल की पीठ पर जो हम लगा होता है बच्चों, तो उसमें खाना भरा होता है, इसलिए 3 दिन तक वो बिना खाए पिए रह सकता है। तो अब तुम बिना खाए पिए 3 दिन तक काम करोगे, कैमल से ये जिन ने कहा। एंड डोंट यू एवर से, I never did anything for you. और जिनने कहा कि कैमल तुम कहते थे ना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं किया, देखो मैंने तुम्हारे लिए काम कर दिया। Come out of the desert and go to the tree. आओ इस डेजर्ट से बाहर निकलो और उन तीनों के पास जाओ। And behave, और अच्छे से व्यवहार करो। तीनों कौन है? Dog, horse and ox. And the camel went away to join the three. और कैमल उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए उनके पास गया। And from that day to this, the camel always bears a hump. और उस दिन से आज तक कैमल के शरीर पर, कैमल के पीठ पर वो हम्प बनी हुई है। But he has never yet caught up with the 3 days. Caught up means पूरा करना। परंतु जब से लेकर आज तक उसने वो 3 दिन का काम पूरा नहीं किया है।
that he missed at the beginning of the world, जो उसने संसार के शुरू होने के साथ miss किया था, and he has never yet learned how to behave, और अभी भी वो ये नहीं सीखा है कि व्यवहार अच्छे से व्यवहार कैसे करें। तो students, you understood the lesson very well, and you did not get any problem to do the question answers, so stay home, stay safe.